हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन और इस चैप्टर के सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आइसो क्वाइंट का जो इकोनॉमिक रीजन होता है वो क्या होता है और रिज लाइन को डिस्कस करेंगे अपर रिज लाइन एंड लोअर रिज लाइन क्या होती है सारा डिस्कस करेंगे

दे हैव पॉजिटिवली स्लोप्ड सेगमेंट तो सेगमेंट पॉजिटिवली हो सकते हैं तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे मैंने कैपिटल दिया हुआ है ये पी वन पी टू एंड पी थ्री तीन आइसोकॉन्ट्स बनाई हुई है जो नेगेटिव भी है और एक लेवल के बाद पॉजिटिव भी है ठीक है तो ये नेगेटिव भी है और एक लेवल के बाद ये पॉजिटिव भी है, है? तो है, है तीनों नेगेटिव भी हैं एक लेवल के बाद ये पॉजिटिव भी हैं तो द गिवन प्रोडक्शन फंक्शन इज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑफ अ सेट आइसोकॉन्ट्स हैव पॉजिटिवली स्लोप्ड सेगमेंट्स तो तीनों में कुछ ना कुछ मैंने पॉजिटिवली स्लोप्ड सेगमेंट्स बनाई हुई हैं लेट अस कंसिडर द आइसोकॉन्ट पी टू तो आइसोकॉन्ट पी टू की बात करते हैं ये वाली आइसोकॉन्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाली ठीक है ए बी सेगमेंट ऑफ दिस आइसोकॉन्ट हैज अ नेगेटिव स्लोप ये जो ए बी सेगमेंट है ये तो नेगेटिवली स्लोप्ड है

ऐसे they become, they become तो ही देखा जा सकता है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिवली यह स्लोप्ड है यहाँ पे भी देखा जा सकता है और यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है ठीक है अब ध्यान से समझना इस बात को द लाइन्स ऑफ ओके एंड ओ एल ज्वाइनिंग दीज पॉइंट आर कॉल्ड रिज लाइन्स अगर जहाँ पे ये जो पॉजिटिवली स्लोप जा रहा है अगर मैं वहां पे एक टेंजेंट खींच लूं तो मुझे पता लग जाएगा exactly इस पॉइंट के बाद ये पॉजिटिव होना शुरू हो रहा है और वैसे ही यहाँ पे जब ये पॉजिटिवली स्लोप होना शुरू हो रहा है तो मैं एक पैरल टेंजेंट खींचू

ठीक है और माल बना रहे हो मान लो हंड्रेड एग्जाम्पल ठीक है तो अगर आप 100 माल बना रहे हो तो अगर आप ये पॉजिटिवली स्लोप पे चले जाते हो ये यहाँ से पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिवली स्लोप पे चले जाते हो इस पॉइंट पे तो आप यही सेम 100 माल ज्यादा लेबर ज्यादा कैपिटल को लेके नहीं बना रहे तो कहने की बात ये है सारी की सारी कि जब भी हम पॉजिटिव स्लोप पे चले जाते हैं हम पहले से ज्यादा लेबर या ज्यादा कैपिटल लेके वही सेम काम कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है ठीक है उसको मैंने टेक्निकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मार्जिनल रेट ऑफ ऑफ लेबर कैपिटल जीरो हो जाता है इस टाइप से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ठीक है दे फॉर्म द बाउंड्रीज फॉर द इकोनॉमिक रीजन ऑफ द प्रोडक्शन ये जो रिज लाइन थी ये इकोनॉमिक uh, एक बाउंड्री बना देते हैं कि इसके अंदर और इसके अंदर ही जो है इकोनॉमिक रीजन रहने वाला है ठीक है अब इसके बाद सपोज द आउटपुट रिप्रेजेंटेड बाय आइसोक्वांट P2 इज टू बी प्रोड्यूस्ड मान लो ये जो P2 वाली लाइन है, जो मैंने ये हाईलाइट की है ठीक है यही बनानी है हमने ठीक है अब फॉर प्रोड्यूसिंग अ क्वांटिटी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ OK2 अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ एनी स्मॉलर अमाउंट विल नॉट अलो द प्रोड्यूसर टू अटेन द

ओ टू अमाउंट ऑफ लेबर मस्ट बी एम्प्लॉयड अगर ओके OK टू के सामने देखें तो इस आइसो क्वांट के सामने लेबर ओ टू होने चाहिए ठीक है सॉरी <coughs> 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 बोल बोल के गला बैठ जाता है इन केस ऑफ प्रोड्यूसर यूजेज एन अमाउंट ऑफ लेबर लेस देन ओ एल टू टूगेदर विद ओके टू अमाउंट ऑफ कैपिटल हिज आउटपुट लेवल वुड बी लोअर देन द देन वन प्रेजेंटेड बाय ओपी तो अगर हम इस पॉइंट से अगर हम ओके टू से कम लेबर मतलब कम कैपिटल यूज करते हैं और अगर इससे कम कैपिटल यूज uh, करते हैं तो अगर लेबर का लेवल तकरीबन उसी हिसाब से रखते हैं और uh, वो कम कर देते हैं कैपिटल तो हम उतना नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम इस आइसो पे रह ही नहीं पाएंगे इस आइसो पे रहने के लिए हमें मिनिमम ओके टू कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए इससे कम करेंगे तो हमारी आउटपुट सफर करेगी और आउटपुट गिर सकती है ठीक है दिस इज क्वाइट नॉर्मल बिकॉज द यूज ऑफ इनपुट्स इन स्मॉलर अमाउंट्स वुड यील्ड अ स्मॉलर आउटपुट अगर आउटपुट इनपुट uh, ही स्मॉलर लेंगे तो आउटपुट कैपिटल ही कम कर देंगे तो आउटपुट तो गिरेगी बट बाय कंबाइनिंग लेबर इनपुट इन एन अमाउंट लार्जर देन ओ एल टू एंड ओके टू अमाउंट ऑफ कैपिटल वुड ऑल्सो रिजल्ट इन द आउटपुट आउटपुट स्मॉलर दे रिप्रेजेंटेड बाई द आइसोकॉन्ट पी टू अगर हम कैपिटल हमारे पास यही है अगर हमने लेबर बढ़ा दिए कैपिटल यही है लेबर बढ़ा दिए तो uh, वो हो जाएगा ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी क्योंकि गिवन मशीन ने ज्यादा लेबर यूज करेंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी तो गिर जाएगी तो इसलिए भी आउटपुट गिर सकती है इन ऑर्डर टू मेंटेन लेवल ऑफ आउटपुट विद अ लार्जर अमाउंट ऑफ लेबर कैपिटल आउटपुट ऑल्सो इन अ लार्ज अमाउंट हैज अगर हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो हमें कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी तो ही हम लार्जर अमाउंट पे मतलब लेबर को, तो तो को बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल भी तो बढ़ेगी अगर सेम लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है क्योंकि हम तो पीटू पे ही लाइक कर रहे हैं और लेबर को बढ़ाएंगे तो और कैपिटल बढ़ेगी और माल तो सेम ही बन रहा है ना ये पूरी की पूरी आई सेम लेवल ऑफ आउटपुट दिखा रही है तो फिर क्या लोड पड़ी है क्या जरूरत पड़ी कि हम पॉजिटिवली स्लोप पे जाएं जिसमें लेबर भी बढ़ाएं और कैपिटल भी बढ़ाएं और माल उतने का उतना ही बढ़े समझ गए तो, no तो इससे जो रिसोर्स का जो इस्तेमाल है वो अन इकोनॉमिक हो जाएगा पॉइंट बी ऑन आइसोकॉन्ट पी टू रिप्रेजेंट द इंटेंसिव मार्जिन ऑफ लेबर बिकॉज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लेबर इनपुट बियॉन्ड ओ एल टू With the fixed amount of capital input, okay too, results विदिक्स कैपिटल इनपुट ओके टू रिजल्ट लेवल अगर हम इससे इधर जाने की कोशिश करें तो अगर लेबर तो बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमें कम लेवल ऑफ आउटपुट दिखाएगी समझ के बाद और अगर आउटपुट का लेवल मेंटेन करना है तो कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा एट दिस पॉइंट मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरोल ऑफ लेबर कैपिटल इज ऑल्सो जीरो मतलब लेबर और कैपिटल में सब्सिट्यूशन नहीं रहेगी दिस इंप्लाइज दैट एट पॉइंट बी लेबर हैज बीन फॉर द द कैपिटल टू टू बी मैक्सिमम एक्सटेंट तो लेबर का जो हम सब्सिट्यूशन लगातार करते जा रहे हैं कैपिटल की जगह वो यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया है अगर इससे ज्यादा करेंगे तो भाई काम खराब हो जाएगा समझ गई बात इससे ज्यादा लेबर लगाएंगे तो आउटपुट गिर जाएगी और अगर आउटपुट को मेंटेन करना है तो भाई कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी तो कैपिटल क्यों बढ़ाएं जब सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाना है हम बी पॉइंट पे रुक जाएंगे समझ so, की बात यही बात के डिस्कशन मैं अब दूसरे तरीके से करता हूँ ये वाले पॉइंट के लिए ठीक है ये, वाले के लिए, ये जो ए पॉइंट है उसके लिए करेंगे ठीक है तो अब आ जाता है सिमिलरली फॉर फॉर द प्रोड्यूसिंग लेवल ऑफ आउटपुट अ मिनिमम ऑफ लेबर ओ एल वन अमाउंट फिर से बोलता हूँ सिमिलरली फॉर प्रोड्यूसिंग पी टू लेवल ऑफ आउटपुट अफ ओ एल वन अमाउंट ऑफ लेबर इनपुट इज रिक्वायर्ड तो अगर हम यहां देखें तो अगर मैंने यहाँ पे काम करना है तो मुझे मिनिमम ए पॉइंट पे ओ एल वन लेबर चाहिए और इसके कारोस्पॉन्डिंग मुझे कैपिटल इतना चाहिए अगर मैं पॉजिटिवली स्लोप पे चला जाता हूं तो ध्यान से देखो सेम लेवल को बनाने के लिए कैपिटल भी ज्यादा लग रहा है लेबर भी ज्यादा लग रहा है तो इन एफिशियं होगी ना तो इसमें मैं कहूंगा कि मैंने कैपिटल को जितना सब्सिट्यूशन करना था वो कर दिया है उससे ज्यादा करूंगा तो आउटपुट गिर सकती है और अगर आउटपुट को मेंटेन करना है तो मुझे लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा जो इनफिशेंट इनएफिशियंट डिसीजन रहेगा अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ लेबर इनपुट विल नॉट अलाउ द प्रोड्यूसर टू अटेन पी टू लेवल ऑफ आउटपुट अगर मैं ओ एल वन ले ये जो लेवल है इस लेवल से इस लेवल से अगर मैं कम क्या कहते हैं इस लेवल से अगर मैं कम आउट लेबर का इस्तेमाल करता हूं तो ये लेवल ये जो पी टू लेवल है ये मैं अटेन नहीं कर पाऊंगा समझ की बात विद ओ एल वन अमाउंट ऑफ लेबर ओके वन अमाउंट ऑफ कैपिटल मस्ट बी यूज एंड इन एंड एनी एडिशन टू द कैपिटल इनपुट बियॉन्ड ओके वन वोड रिजल्ट इन द स्मॉलर आउटपुट अगर कुछ ज्यादा ही हमने कैपिटल यूज करनी शुरू कर दी तो अगर आप यहां से देखो OK1 से ज्यादा कैपिटल यूज करेंगे तो आउटपुट गिर जाएगी ठीक है क्यों गिर जाएगी क्योंकि लेबर हमारे पास लिमिटेड है और आ, जो आपने मशीनें ले ली हैं वो ज्यादा ले ली हैं और मशीनें ज्यादा हैं हैं तो जो capital, जो कैपिटल इक्विपमेंट्स उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी क्योंकि हमारे पास कैपिटल ज्यादा हो जाएंगे और लेबर जो है वो कम रह जाएंगे देर फोर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज एट पॉइंट ए पॉइंट पे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो चली जाएगी उसके बियॉन्ड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिव मार्जिन फॉर कैपिटल बिकॉज

तो ए पॉइंट पे जो हमने बताया ये वाले पॉइंट पे जो 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 कैपिटल कैपिटल लेबर का का है कर रहे हैं वो मैक्सिमम हो चुका है इससे ज्यादा करेंगे तो काम खराब हो जाएगा उल्टा समझ की बात द मार्शल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर इज जीरो पीछे क्या था लेबर फॉर कैपिटल इज रेट ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इनफानाइट और अनडिफाइंड सिंपल वर्ड्स में लेबर को कैपिटल की जगह तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो मगर कैपिटल को लेबर की जगह नहीं कर पाओगे आप अगर आप इससे ज्यादा लेबर को ज्यादा बढ़ाना चाहोगे तो लेबर तो बढ़ जाएगी और कैपिटल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बट यहाँ पे कैपिटल की सब्स्टिट्यूशन जीरो हो जाएगी समझ गए बात अब द लाइन ओके इज इन द अबव फिगर कनेक्ट्स the points of zero marginal productivity of capital called the upper ridge line similarly the line ol designated as the lower ridge line joins the points of zero marginal productivity of labor to ye jo niche wali line hai ol theek hai ye हमें ये सारे पॉइंट्स को मिलाती है जहां पे marginal productivity of लेबर zero हो जाती है और ऊपर वाली OK ऐसे पॉइंट्स को मिलाती है जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो हो जाती है बेसिकली ये नीचे वाली लाइन वहां मिलाती है जहां पे ये टेंजेंट्स हैं टेंजेंट पे होंगे जहां पे इनकी जो स्लोप uh, है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी और के वाली की कहाँ पे होगी जहाँ पैरल टू वाई एक्सिस हो जाएगी उन दोनों को ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को मिलाएंगे तो इसके बीच वाला जो पोर्शन होगा वो इकोनॉमिक रीजन होगा ऊपर वाली लाइन को अपर रिज लाइन कहेंगे और नीचे वाली लाइन को लोअर रिज लाइन कहेंगे ठीक है उसके बाद

तो ये जो कम्बिनेशन है यही प्रोडक्शन डिसीज के लिए रेलिवेंट है तो ये कम्बिनेशन कौन से हैं ये जो नेगेटिवली स्लोप आइसोकॉन्ट के जो है कम्बिनेशन यही रेलिवेंट रहते हैं अगर पॉजिटिवली स्लोप में चले जाएंगे तो वो अन इकोनॉमिक हो जाएंगे तो पूरी की पूरी जो ये जो टॉपिक है रिज लाइंस का या इकोनॉमिक रीजन का वो यही कहता है कि भाई नेगेटिवली स्लोप आइसोकॉन्ट में काम करो पॉजिटिवली स्लोप में जाओगे तो काम खराब हो जाएगा जो कि अनइकोनॉमिक होगा ठीक है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैप्टर के सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेक केयर बाय